अपनी कलेक्शन में से जो बेहतरीन आपकी पसंदीदा है वो सुना दो। कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है, लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीजन है। साउथ टुडे के न्यूज़ रूम में खुश आमदीद जी। नाज़रीन, मैं हूँ हुमा सैरिश और मेरे साथ मौजूद हैं खालिद मसूद साहब, जो कि एक तजियाकार और कालिब निगार तो हैं ही, लेकिन मज़ाहिया शायरी के हवाले से इनका एक अलग मकाम है। और इनका जो अंदाज़े बयां है, ये महफिलों में मुस्कुराहटें और कहकहे बिखेरना जानते हैं। आज हमने सोचा कि इनसे कुछ अच्छी जो शायरी है, जो मज़ाहिया शायरी है इनकी, वो सुनी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खालिद मसूद साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप आए यहाँ पे। आज आप हमें कुछ मज़ाहिया शायरी में से, अपनी कलेक्शन में से जो बेहतरीन आपकी पसंदीदा है वो सुना दें। देखें, पहली बात तो यह है कि ये कहना कि किसी शायर को कि अपनी पसंदीदा चीज़ सुनाए, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी माँ से ये कहा जाए कि आपका कौन सा बच्चा, आपको जो बच्चों में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है, तो ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाज़ को अच्छा शायर उसे इतना रैंक नहीं कर रहा होता, लेकिन नाज़रीन और जो सामईन है वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, कुछ कम पॉपुलर होती हैं। पॉपुलैरिटी एक डिफरेंट चीज़ है और शायर की अपनी पसंद होना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। खैर साहब, माओ को भी बच्चे पसंद होते हैं, बायसनेस तो होती है उनमें भी, ये बात तो आप नहीं कह सकते। नहीं, देखें, जब वक्त पड़ता है ना तो साबित होता है कि माओ की पसंद बड़ी अजीबोगरीब है। मसलन बाज़ औक़ात वो अपने जो पढ़ाकू बच्चा होता है उससे इसलिए मोहब्बत करती हैं कि ये पढ़ाकू है। अच्छा, लेकिन कभी कोई वक्त पड़े तो माँ अपने सबसे जो कमज़ोर बच्चा उसके साथ खड़ी हो जाती है कि अगर मैं इसके साथ खड़ी ना हुई तो इसके साथ ये तो ऑलरेडी एक कमज़ोर बच्चा है। अच्छा, बाज़ औक़ात माँ को अपना जो शक्ल व सूरत में थोड़ा सा ज़रा कम रूह जिसे हम कहते हैं वो बच्चा होता है वो अच्छा लगता है, इसलिए कि इसको ज़माना निगलेक्ट कर रहा है तो इसको जो वो ज़माने की तरफ से जो थोड़ा सा इसको मिल रहा है एक नेगेटिव रिस्पांस, तो वो उसको कंपनसेट करने की माँ उससे ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो माँ को तो आप जो एक तयशुदा ज़ाबते हैं उसके मुताबिक डिटरमिन कर ही नहीं सकते। सही, बिल्कुल ऐसा ही है कि ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर शायर जब शेर कहता है ना तो वो अपने तई मीर और गालिब बन के शेर कह रहा होता है, और उसको अपना हर शेर जो है ना वो बड़ा टॉप क्लास लग रहा होता है, चाहे वो टके का भी ना हो, ये अलहदा बात है। तो लिहाजा ये सवाल तो मुश्किल है। हाँ, मतलब अवामी मकबूलियत के हवाले से बहुत से लोग हैं जो आपके अशार को पसंद करते हैं, जिनमें से एक तो मैं भी सुनती हूँ, वो आपका जो अब्बा कहाँ से लब्बा था वो तो एक बदनाम है ज़माना, और इसके अलावा होल लब्दे फिरो, इनमें से कोई आप सुना। एक तो एक उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। अच्छा, बाज़ लोग इसमें को पढ़ते हुए ना कि उसकी शादी ना होने का बायस, शादी तो बाद की बात है, ये भी रिश्ते का ही प्रॉब्लम है। शादी तो रिश्ता तय होने के बाद का मसला है। तो एक उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था, सब हरियान थे उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था, और समझ नहीं आती बत्ती तारें वो किससे बख्शाए, उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था, उस जगह पर काफ़ी लोग की मन्नतें मांगने पहुँचे, पिछले वरे जहाँ पर हमने मोया कुकड़ दबा था। तो दो शेर आपको और सुना दूँ कि बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है, लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीज़न है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। ये बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसके अलावा कोई हाँ, अभी मैंने कौन सा बताया था मुझे खुद ही भूल गया, वो होल लब्द फिरो, होल लब्द फिरो, वो फिरो तो मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। तो वो कि बेफजूल सी गाल पर अड़कर सोते रहे, बेफजूल सी गाल पर अड़कर सोते रहे, धुपे पे पे सड़ गए सड़ कर सोते रहे, बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर, गलत ट्रेन पे चढ़ गए चढ़कर सोते रहे, और राती डाकू पेंड में हुंजा फेर गए, पैरे वाले डंडे फाड़ कर सोते रहे, और डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिर उस खजूर में अड़कर सोते रहे, और बीवी से डर कर भागे तो दो दिन तक बेबे के कमरे में वड़ कर सोते रहे, उसके गंजे कोने सर की याद में हम, रंगले पलंग का पावा फाड़ कर सोते रहे। वाह,
वाह जी वाह, क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या वो है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज है आपका। और हम आपको जो है अक्सर तकलीफ देते रहेंगे और आपसे ये शायरी सुनते रहेंगे। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।